हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही इजीली मार्केट में जूस वाले मैंगो अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा मैं बना ही रही हूँ तो वीडियो भी शेयर करती हूँ। अभी इस सीजन का ये पहला फर्स्ट मैंगो शेक है जो कि मैं आज बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने एक बड़े साइज का मैंगो ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था और छिलका इसका मैंने साफ कर लिया है। तो जितना भी मैंगो का पल्प है उसे हम काट करके इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में निकाल लेते हैं। जो अंदर का बीज होता है ना उसे हम बाहर करेंगे। तो ये एक बड़े साइज का मैंने मैंगो लिया है, इसमें लगभग 3 ग्लास मैंगो शेक बिल्कुल मार्केट स्टाइल तैयार हो जाएगा। तो सारे ही पल्प को मैंने एक बड़े ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें अक्सर हम जूस वगैरह बनाते हैं उसी जार का हमें यूज़ करना है। बड़े ग्राइंडर में मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालना है, कहने का मतलब है कि कम पसंद करते हैं मीठा तो कम डालिएगा, लेकिन ये जो जूस वाले आम होते हैं ना इसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये थोड़े खट्टे से होते हैं, बहुत कम ही होता है जो मीठे निकल जाए। तो बस मैंने 6 चम्मच शुगर डाल दी है और अच्छे से पहले हमने मैंगो को और शुगर को ग्राइंड कर लिया है, इसकी एक मतलब प्योरी सी तैयार कर ली है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध का यूज़ कर रही हूँ। दूध को मैंने गर्म कर लिया था तो जो मलाई वगैरह बन गई थी ना मैंने उसके साथ ही दूध को ऐड कर दिया है। टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और लगभग 6 से 7 हम आइस क्यूब्स ले लेंगे। इससे बहुत ही मतलब परफेक्ट थिक सा हमारा ये मैंगो शेक तैयार होगा। यहाँ पे आप ठंडे पानी की बजाय आप यहाँ पे क्यूब्स का यूज़ करिएगा तो जो मैंगो शेक है ना बिल्कुल मार्केट वाला तैयार होगा। तो जब कभी आपने मार्केट में मैंगो शेक पिया होगा ना तो आपने देखा होगा जो बनाते रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि मतलब आइस को कूच करके किसी कपड़े में अच्छे से चूरा बना लेते हैं आइस का और उसे डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स डाली क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती है ना क्यूब्स, तो बस उसे मैंने इसीलिए इसी तरीके से डाल दिया है। अगर आप किसी बर्तन वगैरह में जमाते हो तो फिर उसे तोड़ने की क्रश करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आप क्यूब्स इसी तरीके से जब घर में बनाए ना तो आइस क्यूब्स डाल करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक में गार्निशिंग के लिए बादाम की कतरन का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो डाल सकते हो, या यहाँ पे आप टूटी फ्रूटी का यूज़ भी कर सकते हो, जो भी लाइक करें आप डाल करके इसे एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो आप बिना किसी भी चीज़ की गार्निशिंग के इसे पी सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।